नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने विभिन्न मंदिरों से चोरी हुए करोड़ों रुपए के अष्टधातु की मूर्तियों को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन अष्टधातु की मूर्तियों की कीमत करोड़ों में है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुंगेर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान मुंगेर जिला वासियों को मास्क लगाकर रहने की उन्होंने अपील की है। बेगूसराय में शिक्षकों ने आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में जहां भी जाएंगे वो शिक्षकों को पाएंगे। बता दें आपको कि शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी कई अन्य मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। मुंगेर में 48 शिक्षकों ने जिला समाहरणालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि बिहार में शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस दौरान नियोजित शिक्षकों ने जिला समाहरणालय के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में भारी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नियोजित शिक्षकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान नियोजित शिक्षकों ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एक सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। बता दें आपको कि टेम्पो पर सवार आधा दर्जन लोग इस हादसे में घायल हो गए। वहीं इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है और इस दौरान घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसबी और पुलिस प्रशासन की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर कैंप लगाया है। बता दें आपको कि पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के दोनों नेपाल बॉर्डर पर मेडिकल टीम गठित की गई है। यहां चिकित्सक सभी आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं और उनको सावधानी बरतने का सुझाव भी दे रहे हैं। एक बार फिर से भीड़ का क्रूर चेहरा सामने देखने को मिला है, जहां चोरी के आरोप में एक बच्चे की जमकर पिटाई की गई है। मामला बलिया थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में एक बच्चे की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां वाहन जांच के दौरान 298 कार्टून अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में होली पर्व के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी जयकांत के अलावा कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि होली पर्व आपसी भाईचारे का पर्व है और इस पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील भी की। खबरों में इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।